नमस्कार शख्स, मेरा नाम साहिल प्रुथी है और मैं हूँ फाउंडर कीटो इंडिया का। नमस्कार साहिल। 17 सितंबर 2017, आज से 4 साल पहले मेरी माँ की एक मेजर ब्रेन सर्जरी हुई। उस सर्जरी के बाद मुझे और अपनी बहन को इमीडिएटली जॉब छोड़नी पड़ी अपनी माँ का ध्यान रखने के लिए। 9 महीनों के लिए अपनी जॉब से दूर थे और उन 9 महीनों में दिन ब दिन मैंने ये जानने की कोशिश की कि सर्जरी की जरूरत पड़ी ही क्यों और इसको आगे के लिए रोका कैसे जा सकता है। उस दौरान मैंने अपनी माँ को एक पर्सनलाइज न्यूट्रिशन यानी किस तरह का खाना, सप्लीमेंटेशन यानी किस तरह के खाद्य पदार्थ और क्लिनिकल ट्रायल पे कोट किया यानी किस तरह का मेडिकल ट्रीटमेंट। और तब से लेकर आज तक 4 साल से ऊपर हो चुके हैं, मेरी माँ तंदुरुस्त है और मेरे साथ पीछे बैकस्टेज पे। इस मुहिम के बाद और इस सक्सेस स्टोरी के बाद मैं एक इंजीनियर और प्रोडक्ट मैनेजर होते हुए मैं हेल्थ केयर को डिटेल में पढ़ने लग गया और ये जानने लग गया क्या ये सिर्फ ब्रेन सर्जरी के लिए ही लिमिटेड है या फिर इसको और बीमारियों के लिए भी किया जा सकता है। और उसके बाद मुझे ये पता चला कि इश्यूज लाइक टाइप 2 डायबिटीज, PCOS यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जिसके अंदर लड़कियों की इरेगुलर पीरियड साइकिल्स, चेहरे पे बाल, चेहरे पे दाने और भारी आवाज, इन जैसी बड़ी प्रॉब्लम्स, हाइपोथायरॉयड जैसे जिन केसेस के अंदर वेट गेन बहुत ज्यादा होता है और जिनको बोला जाता है कि आपका वेट कभी घटेगा ही नहीं, और या फिर ओबेसिटी, इन सबको पर्सनलाइज न्यूट्रिशन, सप्लीमेंटेशन और क्लिनिकल ट्रायल के साथ रिवर्स किया जा सकता है। और तब हमने कीटो इंडिया स्टार्ट की। अब मैं आपको प्लेटफॉर्म को थोड़ा और डिटेल में समझाता हूँ कि हमारी डाइट पर्सनलाइज या प्रोटोकॉल पर्सनलाइज कैसे होती है, ये बात समझना बहुत जरूरी है। कार्तिका सपोज लड़की का ना एग्जांपल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल, क्योंकि सपोज उनको PCOS है और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है और टाइप 2 डायबिटीज है। मैं आपको अपना डेमो दिखाता हूँ, ये PCOS का एक डेमो दिखा रहा है जहां पर सिम्टम्स दिखा रहा है हमारे प्लेटफॉर्म पे क्या क्या सिम्टम्स अपने वो भरेंगी, उनको कब से PCOS डायग्नोज हुआ है इन दिस मंथ लास्ट मंथ, और उसके बाद हम उनको बताएंगे कि उनकी डाइटरी प्रेफरेंसेस कैसी हैं, कि आप वेजिटेरियन खाती हैं, नॉन वेजिटेरियन खाती हैं, आपकी इंटॉलरेंसेस क्या हैं, ये सारी चीज़ों का हम मद्देनजर रखते हुए ये हमारे CRM पे जाती हैं। उसके बाद पेमेंट होती है और पेमेंट के बाद हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो पर्सनलाइज करता है कार्तिका के सिमिलर कौन सी नियरेस्ट प्रोटोकॉल्स हैं जो उनकी इनसेंसिटिविटीज, उनके पोर्शन ऑफ मील्स, उनको सप्लीमेंटेशन रिकमेंडेशन किस तरीके से दी जाए, राइट। और जैसे ही उनकी PCOS के सिम्टम्स रिवर्स होने लग जाते हैं, वेट गेन कम होने लग जाता है, तो उनकी प्रोटोकॉल को मॉडिफाई भी करते हैं ताकि उनका वेट लॉस स्टॉल ना हो, इंसुलिन फास्टिंग लेवल है वो रिड्यूस होते रहे और उनका रेगुलरली प्रोटोकॉल मॉडिफाई किया जाता है। और ये प्लेटफॉर्म रिचर और रिचर होते चले जाता है जैसे इसके अंदर मोर डेटा फेड होगा। और मेरे जो एडवाइजर हैं प्रभात गुप्ता, ये मेरे साथ क्लोजली काम करते हैं इस प्लेटफॉर्म को बनाने के अंदर। हम एक बूटस्ट्रैप्ड और प्रॉफिटेबल कंपनी है जिन्हें 3100 क्लाइंट्स 16 राज्यों में भारत के अंदर और 25 कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोब कंसल्ट कर चुके हैं। हम इस कंपनी को स्केल करना चाहते हैं और इस मुहिम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए। हम 1.5 करोड़ @1.25% इक्विटी की आस कर रहे हैं। कंपनी की वैल्यूएशन है 120 करोड़। आपने नाम कीटो इंडिया क्यों रखा हुआ है? क्या आप हर डाइट में कीटोजेनिक डाइट रेकमेंड कर रहे हैं? क्योंकि मेरा एक इसमें बड़ा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो कीटो या कीटोजेनिक डाइट को फॉलो करते हैं, लेकिन हमारे शाख अनुपम मित्तल ऐसा नहीं मानते। हमारे शाख्स को लगता है कि कीटो शब्द का प्रयोग उन लोगों को निराश कर सकता है जो कीटो डाइट में विश्वास नहीं करते। जैसे आपने बोला कि कई लोगों के पास कीटो पे बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस होते हैं, हम उन ओपिनियंस को केटर करते हैं इन आवर बिजनेस डेवलपमेंट कॉल, पर हमने साथ के साथ एक leofy.com के नाम के साथ एक डोमेन सेटअप कर दिया है, और जो लोग PCOS डाइट प्लान या PCOS केयर प्रोटोकॉल या PCOS रिवर्सल के बारे में बात कर रहे हैं, और वो हम उनको leofy पे रीडायरेक्ट कर देते हैं। मैं थोड़ी कंफ्यूज हूं, कीटो क्या करता है और leofy क्या करता है? हां जी, सो कीटो इंडिया हेल्प्स पीपल रिवर्स देयर PCOS, वेट गेन, टाइप 2 डायबिटीज, एंड यहां पर जो पर्सोना आता है जो इजीली कन्विंस हो जाता है, इट इज पीपल विद कीटो एंड लो कार्ब लाइफस्टाइल जिनको वो सारी चीजें हैं बेसिकली, राइट। पर leofy.com पे जो भी लोग अगर कहते हैं कि उनको कोई इनहिबिशंस हैं और उनको फर्दर आंसर चाहिए तो उनको leofy पे रीडायरेक्ट कर देते हैं और वहां से ऊपर पे कर लेते हैं। ये दो दो ब्रांड बनाना थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि सबसे बड़ा एक्सपेंस आपका कस्टमर एक्विजिशन होने वाला है। तो आई वुड जेन्युइनली कंसिडर कि इसको आप सोचिए कि ब्रांड तो एक ही बनाना चाहिए आपको। लेकिन आप सुनोगे जो हम बोलेंगे? सुनोगे? हाँ जी हाँ जी। अगर हम बोलेंगे कीटो हटा दो, हटा दोगे? अगर उसके साथ हमारी म्यूचुअल डिस्कशन होती है और रीजन बैक्ड होता है तो मैं डेफिनेटली उसको कंसीडर करूंगा, बट अगर ऑब्जेक्टिव डिस्कशन होती है क्यों नहीं। और आपका रेवेन्यू मॉडल क्या है? हमारा अभी सब्सक्रिप्शन मॉडल है, इसका मतलब है हमारा 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना और 12 महीने का प्लान है, और हमारे क्लाइंट्स क्योंकि इंडिया में भी और आउटसाइड इंडिया भी है तो हमारी प्राइसिंग डिफरेंट है फॉर इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया। इंडिया के अंदर हमारा जो प्लान है 4500 रुपये फॉर 1 महीना, 9000 फॉर 3 महीने, 15000 फॉर 6 महीने और 25000 फॉर 12 महीने, ये इंडिया की प्राइसिंग है। आउटसाइड इंडिया हमारी प्राइसिंग है 6000 फॉर 1 महीना, 12000
फॉर 3 महीना, 20,000 फॉर 6 महीना और 35,000 फॉर 12 महीना। और आपने कहा प्रॉफिटेबल है, जी हाँ। तो आपका सेल्स और प्रॉफिट्स क्या है अभी तक? हम अभी तक टिल डेट रेवेन्यू 2.1 करोड़ से ऊपर कर चुके हैं। हम 100% या 100% ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रहे हैं और हमारा लास्ट मंथ का रेवेन्यू 15 लाख रुपए था। आप कब से कर रहे हैं काम? मैंने ये फरवरी 2019 में फुल टाइम किया था। तो कितना टाइम हो गया? 2.5 साल हो गए? 2.5 साल हो गए, यस। 2.5 साल में आप पहुंचे हो 15 लाख रेवेन्यू पर मंथ, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं। आप 60x मतलब 60 times आपका एनुअल रेवेन्यू, आपका वैल्यूएशन, आप ये कैसे जस्टिफाई करते हो? मेरे को सोच के चक्कर आ रहा है। ठीक है, मैं आपको अच्छे से बताता हूँ शक। अभी हमारे पास ऑलरेडी एक सॉफ्ट इंटरेस्ट आ चुका है फ्रॉम अ यूके बेस्ड इन्वेस्टर, एक हमारे पास सॉफ्ट कमिटमेंट है फ्रॉम अ हाई नेटवर्क इंडिविजुअल। और हम इस वैल्यूएशन को जस्टिफाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास रिजल्ट्स हैं, हमारी हमें कम्युनिटी की आती है और पूरी फनल, राइट फ्रॉम विजिटर टू लीड टू एक्टिवेशन टू कन्वर्जन टू पोस्ट कन्वर्जन, ये हम शो एंड टेल कर चुके हैं। हम केयरफुली धीरे धीरे चल रहे थे, प्रॉफिटेबली चल रहे थे और हम चाहते थे, मेरे मेंटर प्रभात बोलते हैं, शो एंड टेल करके जाओगे तो आप स्केल कर सकते हैं। डेली कितने कस्टमर्स आ रहे हैं, महीने में कितने कस्टमर्स आ रहे हैं, कस्टमर ग्रोथ के बारे में बताइए। हाँ जी, तो हमारे मंथली एक्टिव यूजर ऑन MAU अबाउट 45,000 अक्रॉस डेस्कटॉप मोबाइल एंड ऐप राइट नाउ। ऑन एन एवरेज जो लास्ट महीने हमारे 200 क्लाइंट्स पे करा, ठीक है, पूरे महीने में। हाँ राइट, मात्र 7-8 लोग रोज पे कर रहे हैं खाली अभी। हाँ राइट राइट, तो 45,000 में से हमारी 4,500 मतलब 4,500 नहीं है कि प्राइसिंग पूरी गलत है। अगर आपको कॉस्ट ही नहीं है, पूरा AI बेस्ड है, तो आपकी प्राइसिंग इतनी हाई है कि आपको कन्वर्जन तो मिल ही नहीं रहा है। नहीं नहीं, हमारा कन्वर्जन परसेंटेज इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से काफी अच्छा है। अरे पैसे नहीं बन रहे यार, वो सब छोड़ो ना, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड 15 लाख रुपए आ रहे हैं, 45,000 लोग आ रहे हैं आपके साइट पे, उसमें से आप 200 कन्वर्ट कर रहे हो। मैं आपको मैथ्स बताता हूँ इसके अंदर। मैथ हो गया यार, 15 लाख रुपया रेवेन्यू आता है। आपका वैल्यूएशन देख के मैं अभी तक चकरा रहा हूँ, सीरियसली, मेरे को लगता नहीं है, मुझे नींद ना आएगी। तो गुड लक, आई विश आपको ये वैल्यूएशन मिले, लेकिन आपकी और मेरी आज कोई ऐसा ब्रिज नहीं बना है जो हम साथ में आ सकें, तो इसलिए मैं हूँ आउट। मेरे को 2-3 सवाल और हैं, अगर आगे कितना बड़ा हो सकता है ये बिजनेस? हाँ जी, हम कंफर्टेबली अबाउट 7 करोड़ पोस्ट फंड रेज अचीव कर लेंगे, 50 लाख करीब महीने। हाँ जी, हाँ जी, इस तक हम कंफर्टेबली पहुंच सकते हैं। सो 3 साल के अंदर हम इसको 50 या 52 करोड़ तक वैल्यूएशन। अगर 3 साल में 50 की जगह 200 करोड़ का बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? बैरियर क्या है? देखिए, बैरियर ये है कि हम केयरफुल एक्सपेरिमेंटेशन के साथ जाना चाहते हैं, ठीक है। केयरफुल होके तो बिजनेस बनता नहीं। अगर आज आप शार्क टैंक में आए हैं, तो अगर हम लोग आपका 3 साल में 200 करोड़ का बिजनेस ना कर पाए, तो फिर शार्क से पैसा लेने का फायदा नहीं है मेरे हिसाब से। मार्केट से आपको मिल ही रहा है पैसा, तो आपको मिल ही रहा है, आपके पास दुनिया भर से पैसा आ रहा है, तो ये एम्बिशन थोड़ा सा मुझे वीक लग रहा है, पर मुझे लगता है कि हम आपकी मदद कर सकते हैं। आई थिंक अश्नीर के भारत पे प्लेटफॉर्म पे इतने कस्टमर्स हैं जिनको ये एक्सपोज हो सकता है। लेंसकार्ट में 20 मिलियन के करीब कस्टमर्स हैं जिनको ये एक्सपोज हो सकता है। आपको कस्टमर्स मिल सकते हैं, और ब्रांड बिल्डिंग मिल सकता है, हेल्थ केयर एक्सपर्टीज मिल सकता है। तो साहिल, इसको मैं सिंपलीफाई कर देता हूँ। हमारी तरफ से जो अभी ऑफर है, जो कि एक जेन्युइन स्मार्ट फाउंडर को दिया जाता है ऑफर, वो ये है कि हम चारों मिलके 1.6 करोड़ डाल देंगे आपके इसमें, बट इसके अगेंस्ट हमारे को 16% इक्विटी चाहिए कंपनी में। 16% इक्विटी, 16%, सो 40 लाख ईच शार्क एंड 4% इक्विटी अगेंस्ट दैट। And with each shark, you will get access to, you know, grow your business exponentially. And more mentors, as you need. And more mentors, yes, thank you. Don't cry for me, huh? Thank you so much for the offer, first of all. But मुझे थोड़ा इस पे अगर सोचने का वो मिले, because जो मुझे please आप अपना time लीजिए, लेकिन एक चीज मैं बताना चाहूँगा कि आओगे तो swag से करेंगे आपका स्वागत। हाँ जी, मैं एक बार सोच के आता हूँ। Please, please, thank you so much. इसके साथ बहुत काम करना इसमें पड़ेगा। सिर्फ बंदा लेके नया बिजनेस करना पड़ेगा, पर हाँ अभी बिजनेस में काम है, बहुत काम है। बिजनेस है ही नहीं, बिजनेस तो आपको बनाना है, बहुत काम है। सिर्फ लड़का बंदा मिला है, लेकिन बंदा बहुत जबरदस्त, बंदे में दम, बंदे में है दम, बंदे में दम है। हेलो, हाय प्रभात। हेलो, हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि प्रभात, मुझे ना 1.6 करोड़ का ऑफर मिला है,
फॉर 16% इक्विटी अभी मिल रहा है. एट 16% इक्विटी तो वैल्यूएशन काफी डिप होता हुआ दिख रहा है. क्या लगता है साहिल ले लेगा? चेक रेडी करो. नहीं वो ले लेगा पक्का. मुझे तो ना सुनने वाला पसंद है. मेरे शेर. हाय शार्क्स. सो फर्स्टली थैंक यू सो मच फॉर द ऑफर बट मैं एक काउंटर ऑफर प्रपोज करना चाहूंगा. चेक रेडी है. चेक रेडी है. काउंटर ऑफर के लिए स्कोप नहीं है. नॉट ओपन फॉर नेगोशिएशन. पता है ऐसे ही करके आवाज आएगी. देखिए मैं मुझे बहुत अच्छे से डिटेल में मैंने आप सबके बारे में रिसर्च किया है तो मैं अच्छे से जानता हूँ कि आप क्या वैल्यू ब्रिंग करेंगे और मैं इसको वर्क करने के लिए मैं काउंटर ऑफर देना चाहूंगा. आप में पोटेंशियल बहुत है. कहीं मेरे को आप मिसगाइडेड लगते हैं एंड उसका कारण यही है कि आप बहुत सारे एडवाइजर की बहुत बातें सुन रहे हैं. Yes. इस बात से मैं भी सहमत. तू गाड़ी नहीं चला रहा. तेरी गाड़ी कोई पिछली सीट पे बैठ के चला रहा है जबकि तू बहुत केपेबल ड्राइवर है. तू उससे तेज चला सकता है. तू सही रास्ते पे भी चलाएगा. नहीं मैं तो इसलिए हमारा काउंटर ऑफर सुन ले. हमारा काउंटर ऑफर हमारा ओरिजिनल ऑफर ही है. अगर वो नहीं है तो हम नहीं है. साहिल बादशाह पिक्चर देखी है? बादशाह वो शाहरुख खान वाली. उसमें आवाज आती है पीछे से ले 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 ले. वो मैं आवाज करता हूँ ले ले. हाथ पैर जोड़ के ले 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 ले. भाई बता रहा हूँ. और जैसे जैसे अमिताभ जी बोलते हैं बाकी लोग आपको देंगे बंगला गाड़ी लेकिन अभी आपको मिल रही है फार्मा क्वीन. सोच लीजिए फार्मा माँ. फार्मा. तो अब आप साहिल अब आपका टाइम आ गया डिसीजन लेने का. प्लीज लीजिए. मैं आपको एक एक काउंटर ऑफर और देना चाहता हूँ बिकॉज ये एक फेयर वैल्यूएशन होगी. किताब बंद. मतलब ये थोड़ा अनफेयर होगा मेरे लिए. बहुत बुरा लगा ये करते हुए लेकिन गया चेक. लगे रहो मुन्ना भाई. यू विल डू ग्रेट. यू हैव अ great great passion and we wish you the very best. Thank you so much for the offer Sharks. Yeah. And thank you so much for the feedback. Thank you so much. Good luck. Thank you so much. Thank you.